नंबर फोर पे आता है। चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं और केपीके के बारे में बाकी डिटेल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ओके जी, नंबर फोर पे आता है। कंट्री में लोकेशन इसकी पूछी जाती है, इसकी लोकेशन जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है। पाकिस्तान के बारे में जब भी पूछा जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये फॉल्ट होता है। सो जी समालेस्ट प्रोविंस है, समालेस्ट प्रोविंस है, सबसे छोटा है रकबे के लिहाज से। कोई मुझे बता सकता है कि आबादी के लिहाज से इसका कौन सा वाला नंबर होगा, पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सा वाला है, पॉपुलेशन के लिहाज से इसका कौन सा वाला होगा, पॉपुलेशन के लिहाज से इसका कौन सा वाला होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड? थर्ड होगा। फर्स्ट पे कौन है जी, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में फर्स्ट पे कौन आता है, फर्स्ट पे कौन आता है, फर्स्ट पे आ जाता है आपके पास पंजाब आ जाता है, फिर आपके पास दूसरे नंबर पे आ जाता है सिंध आ जाता है, फिर आपके पास कौन सा आ जाता है केपीके, और फिर जो बलोचिस्तान आता है। ओके जी, कुछ इसके बारे में डिटेल्स जो कि जानना जरूरी है, इसके बॉर्डर्स के हवाले से कि इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या क्या वाक्य है। तो जी याद रखिएगा कि पंजाब भी इसके साथ है, एक बॉर्डर जो है वो पंजाब के साथ मिलता है, एक बलोचिस्तान के है। तो अगर हम बात करें केपीके की, केपीके के जो है वो ओके केपीके के जो है वो साउथ में जो है वो केपीके के साउथ में बलोचिस्तान वाक्य है, बलूचिस्तान वाक्य है। अगर आप बात करें पंजाब की, पंजाब जो है वो साउथ ईस्ट में वाक्य है, केपीके के साउथ ईस्ट की अगर आप बात करें तो साउथ ईस्ट में पंजाब वाक्य है। अगर आप बात करते हैं बाकी जो है वो केपीके के बाउंड्रीज की, नॉर्थ में जीबी वाक्य है, के अंदर जो है वो जीबी वाक्य है, गिलगित बल्तिस्तान वाक्य है, और नॉर्थ ईस्ट में जो है वो इस्लामाबाद है जी। इस्लामाबाद जो है वाक्य है। सो जी इसके अलावा जो है नॉर्थ ईस्ट में इस्लामाबाद, सॉरी ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में आजाद कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट में आजाद कश्मीर है और ईस्ट में इस्लामाबाद है। हम ये नॉर्थ अभी जो है वो यहाँ से खत्म कर रहे हैं, ईस्ट में इस्लामाबाद है, नॉर्थ ईस्ट में जो है वो आजाद कश्मीर है। के पी के यहाँ पे हमारे पास आ गया नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पे हमारे पास आ गया आजाद कश्मीर। अच्छा जी, इसके कुछ बॉर्डर्स हैं जो अफगानिस्तान के साथ भी लगते हैं, लेकिन केपीके की ब्यूटी है कि आपको पता है डाइवर्स एरिया है, खूबसूरती के लिहाज से भी, बाकी चीज़ों के लिहाज से भी जो है वो। सो केपीके को इस्टेब्लिश किया जाता है 1 जुलाई 1970। केपीके जो मौजूदा है इसके जो फॉर्म है ये इस्टेब्लिश होता है जी 1 जुलाई 1970 को जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। केपीके का नाम बदला जाता है 19 अप्रैल 2010 को। पहले इसका नाम जो है वो आपको पता होगा कि NWFP था, नॉर्थ वेस्टर्न जो है वो सरहदी इलाका जाता, लेकिन फिर जो है वो 2010 में इसका नाम तब्दील कर दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो रखा गया। नाम क्यों तब्दील किया जाता है, किसी भी इलाके के लोगों को उनकी शख्सियत, उनकी पहचान देने के लिए। यहाँ पे रहने वाले जितने भी थे पख्तून थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उनके इलाके को उनके नाम से जाना जाए। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें हमने लैंग्वेज के नाम, जुबान के नाम से इख्तलाफ के नाम पर एक ऐसी कीमत अदा की थी जिसका खुमियाजा हम अभी तक भुगतते हैं और हमने अभी तक उसे कुछ सबक नहीं सीखा बता। सो जी कुछ ऐसा ही हुआ था यहाँ पे भी। तो हमें जब इन लोगों ने अपनी डिमांड पुट करना शुरू की कि हमें नाम जो है वो हमारा तब्दील किया जाए, तो NWFP से इसका नाम जो है वो तब्दील किया गया
केपी के रखा गया। बलूचिस्तान का नाम भी तब्दील किया गया था, बता सकते हैं बलूचिस्तान का पहले नाम क्या था, बाद में क्या नाम हुआ? बलूचिस्तान का भी नाम तब्दील किया गया था, कोई बता सकते हैं बलूचिस्तान का नाम जो है वो क्या था, और ये कौन सी वाली अमेंडमेंट थी जिसने इस नाम को तब्दील किया था? इस अमेंडमेंट का पता है आपको, कौन सी अमेंडमेंट थी जिसने इसको तब्दील किया था? एक अमेंडमेंट के जरिए इसको तब्दील किया गया था। डू यू नो द नेम ऑफ दैट अमेंडमेंट? 18th अमेंडमेंट ने इसको तब्दील किया था। वेट, बलूचिस्तान का पहला नाम जो है उसमें यू आता था, ठीक है, BALUCHISTAN था, ठीक है, तो अब जो है वो ओ आता है उसमें, ठीक है। उन लोगों ने स्पेलिंग जो है उन्होंने कहा कि बलूच इस तरह से लिखते हैं ना कि यू के साथ लिखते हैं, और ये देखे उन्होंने इसको भी तब्दील करवाया कि नहीं बलूचिस्तान जो है वो बलूच है, तो आप इसको यू के साथ जो है वो नहीं लिख सकते, ओ के साथ लिखेंगे। तो इसका जो कैपिटल है इस सिटी का वो हमारे पास पिशावर, पिशावर इसके कैपिटल के तौर पर जाना जाता है। गवर्नमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे भी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंस अपने किए धरे का खुद जिम्मेदार है, फेडरल पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के साथ इनका इलहाक है, इस्लामाबाद के साथ इनकी फेडरेशन इस्लामाबाद जो है वो उनके साथ है जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी अपनी जो है वो कानून साज असेंबली है, पंजाब की भी अपनी है, सबकी अपनी है। सो उनके जो है जी नईम साहब ने हमें बताया कि सिंध के स्पेलिंग्स भी चेंज हुए हैं। ग्रेट नईम साहब, सिंध के पहले वाले स्पेलिंग बताएं, वो वाले क्या थे? माइनर सा चेंज था, उसका स्पेलिंग ही चेंज हुआ था, वो बताएं जरा कौन सा था, वो भी जरा गाइड करें। सिंध के जो है वो उन्होंने कहा था SIND ना लिखो, SINDH लिखो सिंध जो है वो, ठीक है, इस नेम को भी उन्होंने तब्दील किया था। पहले जो है वो SIND सिंध लिखा करते थे, उनका नहीं जी सिंध नहीं लिखना, इसमें जो है वो एच भी ऐड करो, ठीक है, और ये जो है ब्रिटिश के दिए हुए नेम थे ना, तो इसलिए उन्होंने जो है वो चेंज कर दिया, कैसा ना जी इसको भी जो है वो चेंज कर। अच्छा जी आगे चलते हैं, और इसमें जो है हमारे पास देखते हैं गवर्नर कौन से हैं जी इसके। गवर्नर जो है वो हमारे पास है हाजी गुलाम अली। अच्छा जो एस्पिरेंट्स PMSAS के एग्जाम्स में अपेयर हो रहे हैं, ये जो इलेक्शंस डिले हो रहे हैं, ये 90 डेज से जो हम आगे जा रहे हैं, पहले तो ये बताएं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी खिलाफ वर्जी है कि नहीं, यस या नो, पहले तो अब ये बताएं। इसी से कतई नजर के कौन पार्टी अच्छी है कौन बुरी है, सबके सब अच्छे बुरे उनका जो है वो अपना काम है, दैट्स नॉट आवर कंसर्न। अच्छा जी अब मुझे जरा बताएं, हमने फैक्ट बुक्स अपने एस्पिरेंट्स के साथ शेयर वैसे ही करते रहते हैं, मानूर वो अपडेट नहीं हो सकी, जैसे हो ना इस ग्रुप के अंदर भी भेज दीजिएगा फैक्ट बुक जो है। अच्छा ये मुझे बताएं कि जरा आर्टिकल कौन सा वाला है जिसके तहत कानून को आइन को तोड़ने वाला जो है वो उसको सजाए मौत दी जाती है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक करता है, आर्टिकल कौन सा बड़ा फेमस आर्टिकल, Article 6 है, कौन सा वाला ऐसा आर्टिकल है जो कहता है कि इलेक्शन 90 दिनों में होने चाहिए, वो कौन सा वाला आर्टिकल है जो आइन का आर्टिकल जो कहता है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने चाहिए? Article 234A जो है वो ये कहता है, जो ठीक है Article 234 वो कहता है कि अगर कोई असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दी जाती है प्रोविंस की जो है प्रेसिडेंट से किसी भी तरह से, तो उनको जो है वो इलेक्शन वहां पर होने चाहिए। अच्छा कौन सी ऐसी वाली जो तरमीम है जो कि डिक्टेटर जो है वो उसको जब भी डिक्टेटर आते थे उसको रिवर्स कर देते थे, वो कौन सी चीज रखना चाहते थे, वो कौन से वाले जो है वो आइन की कॉन्स्टिट्यूशन जिसको डिक्टेटर पसंद करते थे, 58(2)(b) को पसंद किया करते थे, उससे वो क्या करते थे सदर को पावर दे देते थे असेंबली तोड़ने की, असेंबली तोड़ने का मतलब गवर्नमेंट को खत्म करने की, और वो एक ही जो है वो साइंस से असेंबली तोड़ते थे क्योंकि वो खुद जो है वो PM को आउट करने की पावर रखते थे, तो जैसे जैसे जो है वो डिक्टेटर आते हैं वो उसको बहाल करते हैं और ये जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट आती है उसको खत्म करती है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, चीफ मिनिस्टर जो है वो इनके जी CM का क्या नाम है जी, KPK का, KPK का CM का नाम पता है? मेरा ख्याल है कि इसको बहुत कम सुना आप लोगों ने, मोहम्मद आजम खान जो है वो, मोहम्मद आजम खान जो है वो इसके CM है जी। तो चीफ सेक्रेटरी जो है वो इसके नदीम असलम चौधरी हैं, चीफ सेक्रेटरी जो है वो इसके हैं नदीम
असलम चौधरी, ठीक है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट इनकी अपनी जो है वो मौजूद है पिशावर में, ठीक है। हमारी जिंदगी में 101 मसाइल हैं, हम सब के जिंदगी में जो 101 किस्म के मसले हैं। पुराने जमाने में एक फार्मूला हुआ करता था, जिस तरह से कुछ लोग जो है वो 786 पे बिलीव करते हैं कि बिस्मिल्लाह की अब्रिवेशन है। एक फार्मूला हुआ करता था कि तमाम मसलों का हल जो है वो 741 के पास है। तो ये 101 और 741 मिलकर केपीके का एरिया बनाते हैं, 101 741 जो है वो किलोमीटर स्क्वायर। लेट्स सी कि क्या हमें तमाम जो है वो प्रोविंसेस का याद हो चुका है। मुझे पंजाब का बताइएगा कितना एरिया है पंजाब का। कुछ मैंने बताया था पंजाब के बारे में, क्या एरिया है जी पंजाब का? 2053 जो है वो ग्रेट हो गया जी, ग्रेट हो गया। मुझे जरा बलूचिस्तान का बताइएगा कितना एरिया जी, बलूचिस्तान का कितना बड़ा? आसान सा था वो भी, बलूचिस्तान का तो एक बड़ा जबरदस्त कोट था जी। अच्छा जीरो लगा लीजिएगा, जीरो लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको याद रहेगा। 0347190, हमें जो है वो सिंध का बताइए जी, सिंध का कितना है जी, सिंध का एरिया कितना है? 140 और 914, 914। ये हमारे पास जो टोटल एरिया हो गया पाकिस्तान का, और फोर्थ नंबर पे ये एरिया वाइज जो है वो, ठीक है। 35 37 जो है वो हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसकी जो पॉपुलेशन है टोटल वो 4 करोड़ के करीब है। एग्जैक्टली स्पीकिंग जो है वो 2017 की सेंसिस के मुताबिक जो है वो 35501964। ये आपको आइडिया देने के लिए है, पॉपुलेशन याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, याद रखना जरूरी नहीं है। इसके अलावा जी यहाँ पे बोले जाने वाली मेन लैंग्वेज जो है वो तो जो नेशनल लैंग्वेज ये फॉलो करते हैं वो तो आपको पता है कि उर्दू ही है, लेकिन इनकी अपनी जो जुबान है जो पश्तो है वो इनकी प्रोविंशियल लैंग्वेज है, सूबे की जुबान है। इसके अलावा यहाँ के लोग जो है वो हिंदको को भी बोलते हैं, हिंदको भी इनकी जुबान है। इसके अलावा खोवार जो है वो इनकी लैंग्वेज है जो कसीर इलाके में बोली जाती है। कोहिस्तानी जो है वो बोली जाती है, सराइकी जो है वो भी इस इलाके में बोली जाती है। तो जी ये हमारे पास जो है, और एक दो और क्वेश्चन के पीएसएल में रिसेंटली इनकी जो टीम थी उसका नाम पिशावर जिलमी था, पिशावर पैंथर्स था। तो ये जो है वो इनकी कुछ ऐसी टीम है कि जिनके बारे में आपको डिटेल्स जो है वो याद रखनी। ये हैं जी हमारे पास वो तमाम की तमाम चीजें जो कि केपीके के बारे में हमें बेसिकली याद रखनी है। केपीके के बारे में कुछ और चीजें भी हैं, जिस तरह से हम ये देखेंगे कि केपीके जो है वो कितने 1000 किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है। इसका इसके बारे में कुछ और चीजें जो कि प्रीवियस पेपर्स के अंदर रह चुकी हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूरेंट लाइन के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। सो लेकिन फिर भी अपकमिंग क्लास में सिर्फ 10 से 15 मिनट हम जो है वो केपीके को देंगे, और कोशिश करेंगे कि 10 मिनट जो है वो जीबी को भी डिस्कस कर लें, जीबी के बारे में भी बात कर लें, और उसके बाद जो है वो हम मूव ऑन करेंगे और हम जो है वो इस्लामिक स्टडीज की तरफ मूव ऑन करेंगे। अगला लेक्चर जो मंडे को होने वाला है उसमें हम जो है वो इस्लामिक स्टडीज के साथ बातचीत फर्दर करेंगे, बट केपीके और जीबी के बारे में कुछ डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। डैम्स के बारे में डैम्स भी कवर कर लेंगे, और कोई कंसर्न है तो वो बताएंगे। मंडे को हम डैम भी कवर कर देंगे। ओके जी, क्विज था आपका, आई एम श्योर कि आपने उसे तैयार करने की पूरी कोशिश की होगी। मंडे को जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसके अंदर जो है वो आज का आपका क्विज भी शामिल होगा। टिल मंडे अपना फोकस कीजिए अपने स्टडीज पर, एक चीज याद रखिएगा, मैंने कल किसी ने पता नहीं आज किसी ने मैसेज किया हुआ था ग्रुप में कि FIA के लिए जो अप्लाई करने की लास्ट डेट थी वो पता नहीं किसी ने किया था कि सर ये जो है वो कहते हैं फेक है वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छी बात है, याद रखिए किसी भी चीज को वेरीफाई करने के लिए ना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट देखा करें, उसके अंदर जो है वो एड मौजूद है, एडवर्टीजमेंट का नंबर है 3/2022, और इस पे जाके अप्लाई किया करें। मेरा ख्याल है कि मैंने ना जब से ये जॉब आई थी तब से बार बार रिक्वेस्ट की थी कि अप्लाई कर लें, अप्लाई कर लें, अप्लाई कर लें, अप्लाई कर लें, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं, कोशिश होती है कि एंड वाली तारीख पे ही आए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आसमान से कोई फरिश्ता उतरे वो अप्लाई कर दे, इट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग।
बैंक हॉलीडे की वजह से अगर फीस सबमिट नहीं हुई, बैड चांसेस हैं, तो एफपीएससी को भी पता है कि बैंक जो है वो बंद है, वो आपको दोबारा से जो है वो टाइम देंगे, मोस्ट प्रोबेबली कि मंडे ट्यूजडे जो है वो दे दें, ठीक है। तो इस चीज पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इसकी जॉब इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि अपकमिंग जो है एक नई एजेंसी बनने जा रही है अब जो है वो, जिसके अंदर तीन जो है वो गवर्नमेंट के इदारे, उनका इलाहाक होगा, पीटीए होगा, उसके साथ जो है वो एफआईए होगा, यानी कि जिस इदारे के अंदर आप शामिल होने जा रहे हैं, प्लस जो है वो नागरा का इंस्टीट्यूट होगा। जो ये तीनों के तीनों इदारे जो है वो दे आर वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूट, और इनकी जो ऑब्वियसली एफआईए की जो जॉब्स हैं, इनकी सैलरी जो है वो 1 लाख प्लस है, ठीक है। द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आर देयर, सो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, यू विल बी डेफिनेटली गिवन अनदर चांस कि आप अप्लाई करें, और इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो आपको पूछा जा सकता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, होप टू सी ऑल ऑफ यू टिल इंशाल्लाह ऑन मंडे, और आपका जो टेस्ट होगा मंडे को उसके लिए गुड लक जी। प्लीज ले लें, ले लें, ले लें स्क्रीनशॉट। वंस यू टेक द स्क्रीनशॉट तो देन वी विल एंड द सेशन। ये हमारे पास पहली स्क्रीन है, ये हमारे पास दूसरी है। दूसरी पे तो कुछ भी नहीं लिखा, पहली थी। चले जी, थैंक यू सो मच। अभी रखिए।